माफी मांगकर आ गए तुम उस महान देवी से? राजू, कठपुतली की तरह तुम कब तक जीते रहोगे? वो जो चाहेंगे तुम करते ही चले जाओगे? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी दीदी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जानती हो क्यों? तुम कैसे जानोगी? ये राज तो मेरी दीदी भी नहीं जानती। पता है, जब भगवान ने मेरी दीदी को पहले पैदा किया, पैदा करने के बाद उन्होंने सोचा, अरे ये मुझसे कैसी गलती हो गई? मैंने इस लड़की को इतनी भोली, इतनी नादान, इतनी मासूम बनाया है, वो इस दुनिया में कैसे जिएगी? फिर उन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा और मुझसे कहा, देख राजू, तू अपनी दीदी के साथ साये की तरह रहना, अपनी दीदी की रखवाली करना, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचने देना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर तुम इस दुनिया में आया हूं। मेरा जीवन ही मेरी दीदी के लिए हुआ है। ज्योति, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी दीदी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.